मेरा नाम है सौरभ, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिनिक्स फोटो राइडर में। और आज मेरे साथ जितेन भैया मेरे घर में जो चाय आनंद ले रहे हैं। तो भैया भाई के यहाँ चाय आनंद स्पेशल वाले कप में देखिए एकदम फ्लोर मारता हुआ लचखाता हुआ, इसका जो है एंगल है बिल्कुल सौरभ के जैसा ही, और बड़ा टेस्टी लाल चाय दिया है मेरे को। आता ही लाल चाय से मेरा स्वागत कर रहा है, बिकट वाला धन्यवाद भाई। थैंक यू भैया। और भैया के साथ मिलने का ये अनुभव, मतलब मैं बोल नहीं सकता, मिले तो हम हॉस्पिटल में, बट अभी घर में बैठ के जो भैया के साथ बात हो रही है, बैठे हुए हैं हम काफी टाइम से, तो मजा बहुत आ रहा है। और भैया आए उसी के बाद मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुआ और अपना वीडियो बनाना चालू किया, तो यही अब मेरा मोनिटाइज होने के बाद ये सेकेंड वीडियो है भैया के साथ। और मैं कल लाइव आ रहा हूँ, कितने बजे? 8 बजे। और साथ में मेरे को भी सौरभ भाई के साथ लाइव आने, मतलब लाइव में रहने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है रायपुर आने के बाद। ये एक बहुत ही बड़ा मेरे लिए सौगात मिला है जिसका मैं कल वेट कर रहा हूँ, मतलब कल के दिन का, कि हम लोग कल रात के 8 बजे देखते हैं किस रूम पे बैठेंगे और लाइव आनंद लेंगे। तो कल 8 बजे रात को हम मिलते हैं लाइव में, और ये वीडियो में भी परसों आएगा। हाँ। क्योंकि वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं रात को 8 बजे, मैं स्टार्ट ही किया वीडियो रात को 8 बजे, तो वीडियो आएगा परसों, लेकिन आपको एक दिन पहले मेरा लाइव सेशन मिलेगा। तो अपन अब इसको कुछ बोल नहीं सकते, मेरे चैनल में ये रहेगा रिपीट, तो आप आके देख लीजिए। और भैया अपने हाथ से मुझे चाय दिए, तो चाय आनंद लेते हैं, चाय आनंद लेते हैं भैया के साथ। काफी देर भैया के साथ बात बात किया, अब वापस भैया को छोड़ने जा रहा हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि सामानों के साथ ऑर्डर जो था अभी भी एक चीज आया नहीं है आपका। हाँ, एक दो सामान अभी भी बैलेंस है, तो भैया का भी एक सामान आएगा तो वो भी दूंगा, और अभी चलते हैं हॉस्पिटल। उससे पहले भैया लोग के लिए लेना है खाना, हम लोग को पार्सल करवाना है, तो खाना भी भैया लोग का पार्सल करवा लेते हैं, फिर भैया को ड्रॉप कर देता हूँ हॉस्पिटल। तो अभी मैं जितेन भैया के साथ आ गया हूँ, जितेन भैया को लेके खाना खजाना, और अभी कुछ ऑर्डर करते हैं खाना खजाना में। तो चलिए भैया कुछ ऑर्डर करते हैं। तो जितेन भैया भी खाना खजाना में ऑर्डर करते हुए अपने खाने का, क्या क्या ले लिया जाए देखो आप। अब भैया आप क्या ऑर्डर किया अभी? मैं तो ये कर लेते हैं अपन, ये वाला अपना खाना खजाना स्पेशल थाली। हाँ, और दूसरा स्पेशल चाइनीज थाली, हम तीनों के लिए हो जाएगा। तो भैया खाना खजाना में अपना ऑर्डर कर रहे हैं, तो देखते हैं आप लेके चलते हैं, टेस्ट कल ही बताएंगे। एक्चुअल अभी भैया के साथ हो गया है सीन, क्योंकि हमने जो दो खाना ऑर्डर किया था, तो एक तो स्पेशल थाली था खाना खजाना का जो तुरंत मिल जाएगा, और जो हमने चाइनीज थाली जो किया है वो कितना टाइम लगेगा भैया? आधा घंटा। तो हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। तो भैया और मैं अब यहाँ खड़े होकर रायपुर का वेदर का मज़ा ले रहे हैं। तो भैया कैसा लग रहा है आपका रायपुर का वेदर? वेदर तो अच्छा लग रहा है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप जसपुर से रायपुर शिफ्ट हो जाओ। जसपुर सीरियसली जसपुर तो जसपुर ही है, लेकिन भैया रायपुर में भी एक घर होना चाहिए, वो अलग बेटर है। ये अलग से एक घर ले लिए, जमीन ले ली, अलग चीज़ है। तो अभी हम विनायक दादा के साथ काम कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं भैया को भी ये घर बेच ही दे हम, तो मेरे पहले ग्राहक बन जाएंगे भैया। अच्छा, ठीक हो रहा है। तो वही लगा रहा है स्टार्टिंग में भैया को भी ना, लेकिन भैया कमीशन नहीं खाऊंगा आपको। हाँ, हाँ, जो खरीदी है वही रेट में दूंगा। तो अभी सोच रहे हैं भैया को भी एक आध घर वर रायपुर में दिला दें, और खाना जल्दी। घर मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर घर, 900 स्क्वायर फीट में बना है, लेकिन इतना बेहतरीन बना है इसका मकान, ये कहाँ नहीं जाता भैया। नीचे 900 है और ऊपर 800 है, ऊपर 800 बेहतरीन है, लेकिन एक नंबर बनाया है। तो पूरा मैंने किया था। हाँ, पूरा डिजाइन मेरा, कभी मेरा तू ही कर देना, फिर कभी बनाना रहे भैया। मैं तो इसलिए आ रहा था ऐसा। तो बहुत जल्दी भैया के घर भी जाने वाला हूँ मैं, एक आध हफ्ता रहूँगा यहाँ जसपुर जाने के बाद, और अब तो बरसात आ गया तो अभी जाऊँगा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत अच्छा रहेगा, झरने वरने में पानी भी अच्छा मिलेगा अभी जसपुर में, मैरी नदी में, भैया मैरी नदी में नहाने जाऊँगा। बरसात के समय थोड़ा पानी ठीक ही रहता है, गंदा रहता है, गंदा रहता है, तो बरसात के बाद फिर ठंडियों में जाएंगे, उसके बाद किया जाता है। तो अभी थोड़ा सा गपशप करते हैं भैया के साथ, और फिर हॉस्पिटल जाते हैं, फिर सौम से मिलवाते हैं, क्योंकि सौम का तबीयत भी ख़राब है, बुखार है इसको, तो हॉस्पिटल जाके मिलवाते हैं सौम। अभी हम बोर हो रहे थे, तो बोर होते होते आइसक्रीम खा रहे हैं, लेकिन इसका वीडियो बनाना ही भूल गए। ये क्या है फिर से, मैं ये वीडियो शूट हो रहा है, अब इसका आखिरी छोर का हम लोग आनंद ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग बातों में इतने खो गए थे कि कैमरा ही भूल गए थे। तो भैया को आइसक्रीम बहुत अच्छा लगा। कौन सा था ये? क्या ये डबल चॉकलेट? मेरे को तो नाम भी पता नहीं, बस चौको बार को जानता हूँ, डबल चॉकलेट था। तो दादा का भी कॉल आ रहा है, तो दादा से बात करते हैं क्या बोल रहे हैं। भाई
भैया का खाना पार्सल हो चुका है और भैया इधर पीछे अब लेके जा रहे हैं हम हॉस्पिटल खाना, और हॉस्पिटल का नाम नहीं दिखाएंगे हम, दिक्कत हो जाएगा, सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे यहाँ। नहीं उतना दिक्कत नहीं है, पहुंच जाए तो बाकी, लेकिन हॉस्पिटल वाले लोग परेशान हो जाएंगे ना, इन लोग भगा देंगे आपको यहाँ से हॉस्पिटल वाले। ये है क्या अपना? ये है भैया, भैया कंफ्यूज हो गए यहाँ गाड़ी देख के, भैया को रात हो रहा है और नींद आ रही है, अब भैया को लगता है नींद आनंद लेना है, अब तो चलते हैं, भैया को छोड़ते हैं और अपन भी चलते हैं घर जल्दी। फाइनली हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और पीछे जितेंद्र भैया, और थर्ड फ्लोर में भैया का प्राइवेट रूम है जहाँ फॉर्म में एडमिशन, तो चलते हैं अभी। और भैया थर्ड फ्लोर तक चढ़ के जाना है, कैसा लग रहा है? इतने में थक गया, कुछ पच रहा है, अरे इतने में थक गया भैया। अरे यार बहुत ऊपर, अभी फर्स्ट फ्लोर ही चढ़ रहा हूँ, थर्ड फ्लोर तक चढ़ते चढ़ते जाना है, फिर उतरना भी है, भैया को तो उतरना नहीं है, मेरे को उतरना है, तो चलते हैं। सौ में समझाते हैं इसको, फीवर हो गया है अभी, बट जल्दी ठीक हो जाएगा, एकदम हिम्मत वाला लड़का है, एकदम जल्दी दौड़ेगा भागेगा। सौम्य इस रूम में है, तो देखते हैं कैसा है। तो भैया दरवाज़ा खोल रहा है। अरे मैं तो सुना तेरे को एक से एक बुखार है, और तू तो दौड़ रहा है भाग रहा है, कोई बुखार उखार नहीं है, एक्टिंग कर रहा है वो लड़का सोया हुआ, देख लो इसको भैया, लग रहा है इसको देख के बुखार है कर रहा है। हाँ तो कैसा लग रहा है सौम्य तेरे को भी? तो अब जल्दी ठीक हो जाएगा सौम्य, तो खाना भी आ गया है सौम्य के लिए, तो जल्दी वो खाता है और मैं भी चलता हूँ। ये एक थाली आया था जो हम लोग बोले थे चाइनीज थाली है, और एक हमारा स्पेशल नॉर्मल थाली है, और जितेंद्र भैया मेरा वीडियो बना रहे हैं और ब्लॉग कर रहे हैं एक दूसरे का। और सौम्य कौन सा खाना है? ये लगता है मैं इसलिए बोला मंचूरियन और ये लेते हैं, मेरे को पता था कि यही वाला। तो अभी हम लोग एक जुगाड़ करने जा रहे हैं, इसमें दूध है 1 लीटर, और इसको हम लोग गर्म करने का कुछ जुगाड़ देख रहे हैं, हमारे पास कोई बर्तन नहीं है, तो हम सोच रहे हैं इसी को डायरेक्ट रख के बर्तन दे रखा है, और इसी को ये डायरेक्ट उबाल देना। तो अपन ट्राई करते हैं, आ जाओ कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल तो करते हैं, नहीं होगा ना भैया, मज़ा आएगा, अभी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए ज़िंदगी। और ये गैस चूल्हा है, इसमें हम चालू करते हैं, इसका ढक्कन खोलते हैं और गर्म करते हैं दूध इसमें, तो सिम वाले में करते हैं, ये सिम वाला चालू, तो ये गैस चालू हो गया। और हम लग रहा है ये रायपुर शहर का दूध है भैया, पानी मिला वाला, अच्छा। तो इसको हम अभी 160 रुपये लीटर का दूध, और अभी हम इसको कुछ ऐसा जुगाड़ करके, इस टाइप का जुगाड़ करके इसमें हम अभी दूध गर्म कर रहे हैं। तो भैया जुगाड़ कैसा लगा? जुगाड़ ठीक है, और दुधानंद का व्यवस्था है। तो हम इंडियन लोग जुगाड़ू तो बहुत रहती है, और इस टाइप का जुगाड़ तो जबरदस्त वाला, धान मारने के बाद ओवर फ्लो मत, यही डर है। तो आप सबको यहाँ तक का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर करना है, और भाई को फुल सपोर्ट करना है। या का तो सपोर्ट मेरे साथ बना हुआ है, तो दोस्ता ही नहीं हूँ मैं, 100 मिलियन, और जितने व्यूअर्स है सबको मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, भैया का भी चैनल है, और भैया से ही मैं मोटिवेट होके अभी रात को 8 बजे वीडियो चालू किया हूँ, आज रात को ही खत्म कर रहा हूँ वीडियो। जो कार चला के आया हूँ ना मैं बाहर से यहाँ तक, उसके कारण एकदम सुबह 2 बजे रात को मैं उड़ गया था, और 4 बजे वहाँ से निकल गया, और अभी मतलब दोपहर को लगभग 11 बजे पहुँचा था, इस वजह से मेरा थोड़ा सा आग झिमझिमा रहा है, आप लोग और किसी प्रकार का कोई वो मतलब सोच विचार मत रखिए। भैया ना सस्ता नशा किया है, नींद नहीं मैं घर कैसे दिख रहे हैं भैया। तो अब भैया अभी जब तक रायपुर में है डेली मेरा ब्लॉग आएगा, और डेली आप मेरे को मिलोगे, और कल हमारा आ रहा है लाइव। हाँ कल भाई का लाइव वीडियो आ रहा है जिसमें हम लोग दोनों शामिल होंगे रात के 8 बजे, तो आप लोग बिल्कुल लाइव जो हम लोग का सेशन चलेगा उसे उस क्या बोल रहे उसको इस सेशन को मिस मत, हाँ उस सेशन को मिस मत कीजिएगा, तो जरूर कल लाइव वीडियो में आप लोग कनेक्ट रहिए और भरपूर आनंद लीजिए। तो मिलते हैं कल, और भैया का डायलॉग जय बजरंग बली। आखिर उबाल ही दिया तू, भैया सोच रहे थे दूध उबलेगा कैसे, बट आखिर उबाल ही दिया हमारा नहीं। और ये बिना बर्तन के, जिस बर्तन में हम लोग दूध लाए थे ना, उसी बर्तन को उबाल उबाल के मैंने नक्की कर दिया सौरभ,
ठीक बढ़िया जुगाड़ हो गया, नहीं तो मैं तो सोच रहा था रात में कहाँ से हम लोग बर्तन लाए। और एक लीटर का क्योंकि बर्तन हम लोग को लाना पड़ रहा था, आधा डालते किसी में फिर आधा खाली करना पड़ रहा था, तो इसी में ही सारा काम कर दिया। इसको बोलते हैं जुगाड़। जुगाड़।